विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से सरकार ने बदले ये नियम। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म भरने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। बता दें, नए नियम 13 फरवरी से लागू हो गए हैं। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अपने समकक्ष राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 मामलों में गिरावट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देश को अपडेट कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 2% का कोरोना वायरस का टेस्ट जारी रहेगा। बता दें, विदेशी से आने वाले यात्रियों के आगमन पर फिलहाल 2% तक रैंडम आधार पर कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना वायरस पर जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 28 दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों में 89% की गिरावट आई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में 124 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1843 हो गई है।